हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जॉय हनी एंड आमंड्स नरिशिंग स्किन क्रीम का। इसमें है वीट जर्म ऑयल एंड नेचुरल सनस्क्रीन, बट पैकेजिंग पर SPF कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप ये क्रीम लगाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये हमें ट्रैवल फ्रेंडली टब पैकेजिंग में रिसीव होता है। 10 रुपये के ट्रायल पैक में भी ये अवेलेबल है। इसका प्राइस है 158 रुपीज़। मैंने इसको ऑफर के तहत परचेज किया था तो मुझे ये 109 रुपीज में मिल गया। 200 ml का वॉल्यूम, शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। अब मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें है मिनरल ऑयल, बीज वैक्स, सेटाइल अल्कोहल, स्टेरिक एसिड, प्रोपाइल पैराबिन, मिथाइल पैराबिन, हनी एक्सट्रैक्ट, आमंड ऑयल, एलोवेरा, वीट जर्म ऑयल। ओवरऑल इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के अलावा केमिकल भी है। अल्कोहल है तो इसे सेंसिटिव स्किन वालों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैं आपको इसका खोल कर दिखाती हूँ। ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा थिक है। मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही टाइम लेता है ब्लेंड होने में एंड एब्जॉर्व होने में। इसका फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग है। ये क्रीम विंटर सीजन के लिए ज़्यादा बेहतर है। ड्राई स्किन को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है। क्रैक हील्स पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें ये हील करेगा। फेसियल में आप इसे एज अ मसाज क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फेस और बॉडी दोनों पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम को लगाने के बाद स्किन पर हल्का सा ऑयली एंड चिपचिपा फील होता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस क्रीम का प्रयोग ना करें। ओवरऑल ये क्रीम बहुत अच्छा है। मैं इस क्रीम को एज अ हैंड क्रीम की तरह इस्तेमाल करती हूँ विंटर सीजन में, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा रूखा हो जाता है। इस क्रीम को आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ। बाय बाय।